हाय एवरीवन, बहुत दिन बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पर जिस जगह मैं आ रखा हूँ उसका नाम है किनोकुनिया। और ये मतलब वैसे दुबई मॉल में सिचुएटेड है स्टॉप, मतलब शॉप। और ऑल दिस से मैंने बहुत सारे बुक मतलब शॉप्स में गया हूँ, बहुत सारे बुक स्टोर्स देखे हुए हैं। और उसके अलावा दुबई मॉल के अंदर ही दुनिया भर की शॉप्स हैं, लेकिन एक शॉप जो मेरी फेवरेट रही है, ऑल टाइम फेवरेट रही है, वो है किनोकुनिया। अच्छा, ये जो बुक स्टोर है ना, इसमें शायद ही कुछ ऐसा सब्जेक्ट छोड़ दिया होगा जो यहाँ पर मतलब जिसकी बुक आपको यहाँ पर नहीं मिले। ए टू जेड यहाँ देखोगे हर सेक्शन अलग अलग, क्राफ्ट, ट्रैवल कितने सारे हैं, फिर वन नो नॉवल्स, लिटरेचर। बाय द वे, लिविंग एवरीथिंग असाइड, मैं आपको इस स्टोर का टूर दूंगा, टेक यू अलॉन्ग विथ मी टू दिस प्लेस, यू विल लव इट। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सेक्शन में एंट्री करते हैं। ये है पूरा फूड का सेक्शन, क्राफ्ट का सेक्शन, ट्रैवल का और लिटरेचर का। तो मेरा जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट है ना, आपको मुझे देख के समझ में आता होगा, मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो है फूड एंड ड्रिंक्स पे। तो अभी मैं फूड एंड ड्रिंक्स के सेक्शन में आ रखा हूँ। और यहाँ पर ना वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आपको देखने को मिलेगी। मेरी एक फ्रेंड है सोनिका, कोई ऐसी बुक है जो लाइक वुड यू लाइक टू टेल अदर पीपल हु कैन ट्राई, हु आर लाइक कमिंग फॉर नॉन लाइक किचन बैकग्राउंड, राइट? कोई ऐसी बुक जो बंदा इनिशियली स्टार्ट करना चाहे कि यार एक ऐसी मतलब बताइए, बिल्कुल बंदा बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पे होगा कि कुकिंग सीखना चाहता है या बेकरी सीखना चाहता है, बिकॉज शी इज़ अ बेकरी शेफ बाय द वे, और वो ही मिशलन स्टार बनने वाली बहुत जल्दी। ओ माय, ओके, टेल मी अबाउट इट। एनीवेज, तो ये एक सेक्शन है, ये बाय द वे मुझे ही पता था कि शी विल चूज दिस वन, बिकॉज लास्ट टाइम द कलिनरी इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका इज़ वन ऑफ द रिप्यूटेड मोस्ट रिप्यूटेड कॉलेजेस व्हेन इट कम्स टू फूड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये मतलब बहुत ही बेसिक से लेकिन बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग देखा हर केक के बारे में। एक नॉर्मल केक होता है ना, उसके बारे में भी इतनी डेप्थ, इतनी डीप नॉलेज दे रखी है कि यू विल हार्डली नीड इट एनी टाइम इन योर लाइफ। आप आते हैं ड्रिंक्स के सेक्शन में, मेरा देख रहे हो कि यहाँ बगल में इतनी बेहतरीन बुक्स रखी हुई है। डेजर्ट पर्सन, ओ क्लेयर शेफिट्स, यू नो हाँ सोनिका, यू चेक दिस बुक, क्लेयर शेफिट्स, उसका नाम पता है कौन है? ये चीफ एडिटर है अपने यूट्यूब चैनल, एक यूट्यूब चैनल नहीं है, क्या नाम उसका है, बोन अपीत। येस, दिस वन शी इज़ माई फेवरेट लाइक शेफ एट द मोमेंट इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब। इज इट लवली? ये क्या फ्रेंच में है क्या सारा? नहीं, इंग्लिश में है। अच्छा, ऐसा नहीं है, देखो ऐसा है, देखो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ में है, मेरी स्पेशलाइजेशन किसी और चीज़ में है। सो अगर मैं कुछ चीज़ ऐसे वार्तालाप करना शुरू करूँगा तो आपको दिमाग के ऊपर से कुछ जानना नहीं है। वैसे अगर मैं आपको एक एक बुक्स दिखाना शुरू कर दूँ ना, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। तो क्विकली आई जस्ट गो हेयर एंड टेल यू विच ऑल थिंग्स डू वी हैव हियर। तो यहाँ पर है बुक्स दुनिया कुकिंग की, बेकिंग की, और यहाँ पर है ग्लूटेन फ्री। हर सेक्शन ए टू जेड आपको जो आपके दिमाग में आता है ना, आप वो चीज़ ले सकते हो, कुकीज़ से लेके डेकोरेशन से लेके रेसिपीज से लेके हर चीज़, एवरीथिंग यू हैव वांट और एवरीथिंग वांट टू लाइक इज़ नॉट गोइंग टू व्हाट डू वी कॉल दैट द इंटरनेट, यू कैन स्ट्रेट अवे कम हियर एंड फाइंड द बेस्ट बुक्स अवेलेबल ऑन द प्लैनेट अर्थ। बुक्स तो एक से बढ़िया है, मतलब एक से बढ़िया एक बुक्स है, पर जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना जिसको मैं देख के मतलब माइंड ब्लोन हो गया, वो था हैरी पॉटर। मतलब मूवी तो ठीक है, उसकी बहुत सारे सीरीज़ आई, बहुत सारे मतलब अलग अलग उसके चैप्टर्स आए, लेकिन हैरी पॉटर पे पूरा एक बुक का सेक्शन है। यहाँ पर ये मेरे पीछे जो बुक देख रहे हो ना, ये सेक्शन पूरी यहाँ से लेके वहाँ तक, ये पूरा हैरी पॉटर का सेक्शन है। आई शो यू हाउ, स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हैरी पॉटर स्पेल बुक। ओके, बेसिक, बहुत ही बेसिक है। हैरी पॉटर तो फिर भी एक मेन कैरेक्टर था, उसके अंदर और भी दुनिया भर के कैरेक्टर्स थे, लेकिन एक कैरेक्टर जिसके बारे में पूरी बुक लिखी हुई है वो है
डंबलडोर, इस पर पूरी बुक लिखी गई है यार, द लाइफ एंड लाइफ ऑफ हॉगवर्ट्स रेनोट हेड मास्टर डंबलडोर। ब्रिलियंट मैन। इतनी सारी बुक्स हैरी पॉटर की, इतनी सारी, मतलब एक बुक देखी मैंने जो कि कुकिंग पे बेस्ड है, हैरी पॉटर फीस्ट एंड फेस्टिविटीज़। इसमें जितने भी फूड आइटम्स हैं ना, ये मतलब उसी से इमिटेट की गई है जो कि हैरी पॉटर में यूज़ किया गया था। फॉर एग्जांपल, जो कैंडल्स है वो कैंडल्स उस तरीके से बनाया गया है यहाँ पर, विच लुक्स लाइक अ कैंडल बट इट्स अ केक। ओके, सिमिलरली यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, जैसे बुक मार्क्स हैं। सो दीज बुक मार्क्स आर नॉट एक्चुअली बुक मार्क, दीज आर कुकीज़। ओके, एंड सिमिलरली सी, जो रिमेंबर दिस फ्रॉग विच वॉज इन द मूवी, जब वो ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, हॉगवर्ट्स फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, दिस इज़ द वन। सो ये ऐसी बुक है, बहुत ही क्रेजी बुक है, हैरी पॉटर एंड द चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, अगर आपने देखी है ये मूवी तो, एंड हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। जेके रॉलिंग ने इतनी सारी बुक लिख दी हैरी पॉटर पे, और भी ऐसी मैंने दुनिया भर की देखी है, जो मतलब बुक्स देखी है जो अभी तक मतलब मूवी के फॉर्म में नहीं आई है। अब जो हैरी पॉटर की बात चली रही है, तो आपको कुछ ऐसी मर्चेंडाइजेस दिखाना चाहूँगा जो कि मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कलेक्टेबल्स किसी कलेक्टर के लिए हो सकता है। हर बंदा नहीं खरीदना चाहेगा, हर बंदा मेरे ख्याल से उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा, और कई लोग सोचेंगे हाँ यार, इट्स जस्ट अ सुपीरियरिटी टू परचेज ऑल दीज थिंग्स, पर जो कलेक्टर्स है ना, ये उनके लिए जन्नत है। अश्विनी बचपन। तो उस बढ़िया से कलेक्टेबल के बाद आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही बढ़िया चीज़, और भी बढ़िया चीज़ इनफैक्ट, जितने भी कैरेक्टर्स थे हैरी पॉटर के, मतलब जितने भी अभी तक की मूवीज़ में, वहाँ पर जिनकी उनकी जादू की छड़ी थी, सारी की सारी सब के रेप्लिकास रखे गए हैं। कलेक्टेबल्स हैं वो भी बहुत ही महंगे हैं, 200 300 250 500 दिरहम तक के भी हैं, और वो मेरे यहाँ रखे गए हैं इस तरफ मेरे राइट हैंड साइड में। आपको दिखाता हूँ कैसे दिखते हैं वो। चाहे वो ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस हो, ग्राफिक डिज़ाइंस हो, आर्किटेक्चुरल डिज़ाइंस हो, कुछ भी हो, एक सेक्शन है यहाँ पर जो कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइंस पे, मतलब ये सेक्शन देखो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो लिखा आर्टिस्टिक चॉइस, वहाँ से लेके ये पूरा सेक्शन सिर्फ डिज़ाइन बुक से है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, लुक एट दिस, द वर्ल्ड ऑफ ऑर्नामेंट। ये पूरी बुक, इतनी मोटी बुक है, काफ़ी भारी बुक है, मेरे ख्याल 6-7 किलो की बुक होगी, और ये बुक सिर्फ और सिर्फ ऑर्नामेंटल डिज़ाइंस के बारे में। कह लोगे बहुत बोरिंग लग रहा होगा, पर यहाँ पर अब आओगे ना, यू कम टू दुबई मॉल, बिकॉज जो दुबई आता है वो 100% दुबई मॉल आता ही आता है, बुर्ज खलीफा आता ही आता है। व्हेन यू कम हियर, जस्ट टेक अ लुक एट दिस प्लेस, आके कुछ खरीदो ना खरीदो, लेकिन योर थर्स्ट फॉर रीडिंग विल इंक्रीज इवेंचुअली, आई एम 100% श्योर। और जब प्यास लगाएगी ना, वो यही स्टोर है जहाँ आपको प्यास लगा देगा कि हाँ यार, आई विल गो हेयर एंड रीड समथिंग गुड फॉर myself। ब्रिलियंट स्टोरी, इतना बड़ा यार, कितना बड़ा स्टोर है यार। आई एम mesmerized। मैं पे एक सेक्शन में था, उसका नाम है इंटीरियर डिज़ाइन। अब यहाँ पर ना, यहाँ पर एशियन है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, मतलब दुनिया भर के सारे लिटरेचर है। ऐसे सिमिलरली एक बुक का सेक्शन है, उसका नाम है होटल डिज़ाइन। ठीक है, अब होटल डिज़ाइन का दिखाऊंगा आपका बुक्स। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं भाई, न्यू स्पेस होटल, मतलब हम लोग जो देखते हुए आए हैं, सिर्फ आज तो, अब तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स आ गए हैं जो कि पुराने तौर तरीके को छोड़ के, पुराने लिविंग स्टैंडर्ड्स को छोड़ के, पुराने आर्किटेक्चर डिज़ाइन को छोड़ के, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन पे हो रहे हैं, हर चीज़ कॉन्टेम्प्रेरी हो चुकी है। सो वैसी है यहाँ से बार्स, क्लब एंड लाउंज, लाइक दीज आर द बुक्स फ्रॉम द वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल डिज़ाइनर्स। एवरीथिंग मैन, लवली। मोहम्मद शाह, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो,
जस्ट टेक अ लुक एट दिस, ओके स्क्रीनशॉट दे दूंगा, देख लेना, या तो ऐसे ही देख लो यार, पॉज कर लो, देख लो खुद ही। ऑलराइट ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बुक है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूँगा जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा, वो है ये द वर्ल्ड सेक्सीएस्ट बेडरूम्स। दिस इज अ बुक बाय मिस्टर एम एस स्मिथ। और ये बुक मूवी का तो नहीं, मूवी तो सबको याद होगी, इनफैक्ट सबने देखी है भाई एक टाइम पे, लेकिन ये जो बुक है ना ये इतनी बड़ी है एंड इट्स अ ब्रिलियंट बुक आई बिलीव। मिस्टर मिसेस स्मिथ प्रेजेंट्स द वर्ल्ड सेक्सीएस्ट बेडरूम्स। अच्छा इस स्टोर पे ना अपार्ट फ्रॉम बुक्स बुक्स तो है ही, पर उससे बढ़िया चीज़ें पता क्या है, यहाँ पर जो एक्शन फिगर्स है ना, एक्शन फिगर्स के जो भी कलेक्टेबल्स हैं वो तो नेक्स्ट लेवल पे है भाई। मतलब आप सीरीज़ का नाम लो, आप मेरे ख्याल से किसी कार्टून का नाम लो, आपको उस चीज़ उस सब्जेक्ट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब सारी चीज़ें सारे के सारे आपको क्या बोलते हैं इसको, एक्शन फिगर्स मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, और बाय द वे एक्शन फिगर्स बहुत ही महंगे हैं और अल्ट्रा डिटेल्ड। मतलब वो जो कपड़े का रिंकल भी होता है ना वो भी एज इट इज़ है, मतलब कि आप देख के बोलोगे यार दिस इज़ वर्थ द मनी, बट ओनली इफ यू आर कलेक्टेबल बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू वोंट बी पेइंग 32-35,000 फॉर दिस मच स्मॉल एक्शन फिगर। 35,000 आई एम नॉट करिंग, दिस मच स्मॉल, टेक अ लुक एट इट। जब डीसी की बात की जाती है ना या मार्वल की बात की जाती है तो एक बंदे का नाम हमेशा आगे आया है, उसका नाम है द गॉड फादर ऑफ कार्टून्स एंड एक्शन फिगर्स एंड ऑल द सुपर पावर्स इज स्टैन ली। यार आप इस पर्टिकुलर जो फिगर है, जो एक्शन फिगर है, एक्शन तो नहीं बोलूँगा, ही इज रिलैक्सिंग राइट नाउ, एंड क्या क्वालिटी है मैन, इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इफ आई शो यू इन डिटेल, उनकी आँखों के जो आँखें हैं, जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, आई एम अमेज्ड मैन। पीछे सीट देख लो, मतलब इट इज द बेस्ट। ये है लोकी, आयरन मैन के फैन आप रहे होंगे, लोकी को अगर नहीं याद पता, अगर आपको याद नहीं है तो आपको दिखा देता हूँ ये चेहरा कितना ओरिजिनल है भाई, द एक्सप्रेशन, द डिजाइन, द कलर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ब्रिलियंट मैन। यहाँ पर मैं देख रहा था एक ऐसा एक्शन फिगर जिसमें दो है, दो एक साथ है, द वन ऑन द लेफ्ट इज डेथ स्ट्रोक, द राइट वन इज बैटमैन हिमसेल्फ, एंड एक खास चीज़ दिखाऊँ इस बैटमैन के हाथों में, इसके पास वॉल्वरिन का ब्लेड जरूर, ये मैंने ऐसा फिगर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। अब इतने सारे मैन दिखाने के बाद वुमन की आ रही, वुमन की बारी तो आनी चाहिए ना यार, तो आई एम प्रेजेंटिंग यू विद द एक्शन फिगर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वुमन ever made by plastic, okay? Hope you like it. होपफुली आपको एक्शन फिगर्स पसंद आए होंगे, लेकिन एक एक्शन फिगर ऐसा है जिसको देख के मिलिट्री मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे ऐसा लगा वो अभी आँख खोल देगा, लिटरली आँख खोल देगा, वो था ये जोकर।
5 to 4, 9 dirhams ओनली, ऑलमोस्ट ओवर 1 lakh, 1 lakh के ऊपर है ये छोटा सा प्लास्टिक एक्शन फिगर। दैट इज रीजन आई वाज टेलिंग यू कि ये हर बंदा नहीं खरीदना चाहेगा, इट इज एंड इट इज़ अ कलेक्टर्स चॉइस, कम्प्लीटली कलेक्टर्स चॉइस। अगर यहाँ पर आप आओगे ना, सो मेक श्योर योर दैट योर किड्स आर एट होम एंड यू कम हर अलोन, बिकॉज इफ यू कम अलॉन्ग विद दैम यू विल हैव अ वेरी हार्ड टाइम। तो यहाँ पर एक सेक्शन में आया जो कि जो मेन काउंटर है, जो मेन कैशियर काउंटर है ना, उसके ठीक अपोजिट में सेक्शन है। और ये सेक्शन ना बहुत ही क्यूट, लाइक अल्ट्रा क्यूट बुक्स से भरपूर है। और ये मेरे ख्याल से गिफ्टिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ हो सकता है। कोई ऐसा बंदा जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो, जिसको बुक्स पसंद हो, उसके लिए ये बेस्ट आइडिया हो सकता है। आई शो यू विच ऑल बुक्स आई हैव, लाइक आई वॉन्ट शो यू राइट नाउ। इतनी क्यूट सी बुक है, द लिटिल गाइड टू बियॉन्से, अनऑफिशियल एंड अनऑथराइज्ड, मी माई सेल्फ एंड आई। वैसे ही सिमिलरली यू ऑल्सो हैव वन फॉर टेलर स्विफ्ट, ब्रिलियंट राइट, समथिंग लाइक दिस, बराक ओबामा, लवली, किंग्स एंड क्वींस। इतनी छोटी बुक्स है, इतनी प्यारी प्यारी बुक है, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज वेल, दिस इज लाइक 36 dirhams, दैट्स ऑल। एंड अंदर भी ऐसा कॉन्टेंट भी ज़्यादा, मतलब बहुत ही वैसे नहीं है कि टेक्स्ट 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 ही भरपूर हो, इट हैज़ लाइक गुड क्वालिटी पेजेस, गुड इमेजेस, गुड कोट्स। और ये वैसे भी सिर्फ बुक्स कोट्स के बारे में ही है। वाह, यू आर ऑसम सी, और ये जो ऑसम है शाइन भी करता है सी, कितनी कैची है। कुछ बुक्स होती है जिनकी ना डिटेलिंग अलग लेवल पे होती है, उनका जो जो उनका फ्रंट पेज होता है ना, जो एक ऐसी बुक मैंने अभी देखी है और मैं उस फिदा हो गया इस बुक पे, उसमें कुछ समझने पढ़ने लायक इतना कुछ खास होगा नहीं, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। वो भी एक कलेक्टर्स आइटम है और जो बुक है ना उसका नाम है अल्टीमेट टॉयज फॉर मैन। अब इस बुक की खास बात बताऊँ क्या है, इफ यू लुक क्लोजली इनटू इट, इस पर फर जैसा कुछ पैटर्न टेक्सचर बना हुआ है, ये पता कैसे लग रहा है, एज इफ यू आर टचिंग द पैंथर, द ब्लैक पैंथर। इतनी बेहतरीन क्वालिटी, ब्लैक के ऊपर गोल्ड टेक्स्ट, एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी का इमेज, बिलीव मी ये ना कैमरा इतना जस्टिस नहीं दे रहा इस बुक की उसको, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। अंदर से बुक को खोल के देखते हैं, सो हाइब्रिड हॉर्स। अच्छा बाय द वे, दिस इज फरारी SF90 विच इज फास्टर देन पोर्शे 911 टर्बो एस, दिस इज एवेंटाडोर SVJ, लंबोर्गिनी एवेंटाडोर SVJ। ये मेरे ख्याल से सारी गाड़ियों में बेस्ड है यार, मतलब नाम भी तो है ना, रियलिटी है, द अल्टीमेट टॉयज फॉर मैन। एक्चुअली इसका पूरा नाम होना चाहिए था द अल्टीमेट टॉयज फॉर मैन विथ $1 billion इन द पॉकेट। So ladies and gentlemen, I am signing out right now and I'll see you in the next one. Thank you for being a part of my video. And these are my friends. Say hi to the camera, by the way. Hello. Hi. See ya. Bye-bye. Let's go.